नमस्कार टू ईच वन ऑफ यू। चलिए इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में अब मैं आगे बढ़ के आपको जहाँ पे मैंने पिछले वीडियो पे हमने क्या किया था वो थोड़ा सा बता देती हूँ और आगे पे चलते हैं। हमने देखा मैक्स क्यूडीए स्टैंडर्ड, जिसमें हमें बताया गया कि क्वालिटेटिव डाटा किस किस तरह के मिलते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो, बिब्लियोग्राफिकल फाइल्स और हमारा सर्वे डाटा, और ट्विटर ट्वीट्स भी है और फोकस ग्रुप के ट्रांसक्रिप्शंस भी है हमारे पास, या कह लीजिएगा इंटरव्यूज लगा रखे हैं। द डाटा कैन बी एनालाइज्ड इन फोर स्क्रीन विंडो। जब हम लोग जाके देखेंगे मैक्स क्यूडीए का पूरा क्वालिटेटिव मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एनालिसिस जो है सबसे ज़्यादा कोड्स और आपके मेमोस के थ्रू होते हैं, और अलग अलग टेक्निक्स एंड टूल्स हैं जो हम लोग ईच एंड एवरी वीडियो जो मैं आगे चलती जाऊंगी उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको मिलती रहेंगी और हम लोग इनको देखते रहेंगे और हम लोग उनको मालूम भी पड़ेगा कि यस ये वाला कैसे चल रहा है करके। तो ये हमको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया जाएगा मैक्स क्यूडीए के थ्रू एनालिसिस में, और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि वो हम लोग कैसे ईच एंड एवरी टूल जो हमारे पास है, तो उसमें या तो मैक्स क्यूडीए स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, मैक्स क्यूडीए प्लस या मैक्स क्यूडीए एनालिटिक्स प्रो करेंगे, या मैक्स क्यूडीए रीडर भी देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे कि ये सारा कैसे होता जा रहा है करके। एक नई फीचर जो हमारे पास है वो है मैक्स डिक्शन डिक्शियो मॉड्यूल, और वो भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे कि इस मैक्स डिक्शियो कैन बी जो बोला जा रहा है कैन बी used to create dictionaries as well as search and filter text files. जो हमारे मैक्स क्यूडीए एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ये एक नई फीचर है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे डिक्शनरीज को क्रिएट करना है। अगर हमको आर प्रोग्रामिंग आती है और थोड़ा सा पाइथन आता है तो उसमें जो लिस्ट बनते हैं डिक्शनरी बनती है उसमें हम लोग अलग अलग तरीके से हमें बताया जाता है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे कैसे डिक्शनरी बनती है, और मैक्स क्यूडीए में जब हम लोग मैक्स डिक्शो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होता है। मैक्स क्यूडीए एनालिटिक्स प्रो जो है ये एक एडवांस्ड वर्जन है मैक्स क्यूडीए का, और यहाँ पे मैक्स डिक्शो मॉड्यूल के अलावा वो कह रहे हैं कि हमने इंटीग्रेट किया है, किसको इंटीग्रेट किया है, अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और क्वालिटेटिव डाटा। तो मतलब अगर मेरे को क्वालिटेटिव डाटा है, कई लोग हम लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ जो है नॉन न्यूमेरिक एनालिसिस ही करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब आ जाती है तो उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिक डाटा भी आ जाएगा, और आप देखोगे कि किस तरह से अलग अलग तरीके के मैप्स बनते हैं आपके पास, और कुछ मैं ये भी बताऊंगी कि न्यूमेरिक डाटा भी लेके किस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं आगे। द स्टैट्स मॉड्यूल ऑफर्स टूल्स टू स्टैटिस्टिकली एनालाइज मैक्स क्यूडीए प्रोजेक्ट डाटा और इम्पोर्ट and work with external quantitative data sets in Excel or SPSS. जब SPSS की बात आती है तो CSV के हमारे पास डाटा आ जाती है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम लोग स्टैट्स का मॉड्यूल वहाँ पर है सॉफ्टवेयर में, और वो कैसे हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग सॉफ्टवेयर में करते हुए देखेंगे भी। मैक्स क्यूडीए रीडर जो है ये हमको बताता है कि कैसे हम लोग रीड और सर्च करते हैं मैक्स क्यूडीए के प्रोजेक्ट्स को विदाउट ओनिंग एनी लाइसेंस। तो यहाँ पर लाइसेंस के बिना हम लोग कैसे उसको रीड कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा इस विकी पेज के मैं कहूंगी कि वर्जन हिस्ट्री, तो आप देख सकते हैं 1989 में उन्होंने जो इस्तेमाल किया था वहाँ से लेके उन्होंने किस तरह से पूरा का पूरा ये वाली चीज़ जो है इस्तेमाल करते हुए हमको दिखाया जा रहा है करके। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास टोटली एक तरह के वर्जन्स दिखा रखे हैं, वो वर्जन कैसे कैसे हैं आइए वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो इन्होंने जो शुरुआत की है वो देखेंगे मैक्स डॉक्स में है, मैक्स क्यूडीए विंडोज का गया है, क्वांटिटेटिव टेक्स्ट एनालिसिस, विजुअल मैपिंग, फिर मैक्स क्यूडीए 2007, इस तरह से होते 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 हमारे पास 2022 में मैक्स क्यूडीए का नया वर्जन आया है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड भी कर रखे हैं। अब अगर फीचर्स को देखें तो इन्होंने इन पॉइंट्स के थ्रू हमें दिखाए हैं क्या
कि हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को, टेबल्स को, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ट्विटर ट्वीट सर्विस को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, डाटा को कैसे स्टोर करना है हमको, उसको रीड कैसे करते हैं, एडिटिंग कोडिंग डाटा कैसे करेंगे, पैराफ्रेजिंग, ये एक बहुत ही अनोखी टेक्निक है, जिसको आता है तो वो बहुत आराम से कर लेगा और जिसको नहीं आता वो तो फिर बहुत ही परेशान होकर जैसे मर्जी हम लोग कर देते हैं, तो वो भी एक कला है और देखेंगे कि वो कैसे करना है। सेटिंग लिंक्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू अनदर, अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, उनको एक दूसरे के साथ लिंकिंग कैसे करना है, वो भी एक आर्ट है, वो भी देखेंगे कि किस तरह से करना और कैसे पहचानना है कि उसके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है और किस तरह से जाना जा सकता है। एनोटेटिंग डाटा विथ मेमोस के साथ विजुअल, पहले तो हम समझेंगे कि मेमोस क्या है और एनोटेशन क्या होता है, उसके बाद मैं ये समझाऊंगी एनोटेटिंग डाटा विथ मेमोस का मतलब क्या है। विजुअलाइजेशन ऑप्शंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ कोड्स इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ग्रुप कंपैरिजन जो अनोखी चीज है, एनालाइज कोड कॉम्बिनेशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ताकि आप SPSS से उसको इंपोर्ट कर लीजिए या एक्सेल फाइल से, या अगर आप सर्वे डाटा ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं जो सर्वे मंकी के थ्रू होता है उसको भी इंपोर्ट कैसे करते हैं वो भी दिखाया गया है। इंपोर्ट ऑफ वेब पेजेस, नाउ लेट मी टेल यू, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हमको मालूम होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर में डाटा को किस तरह से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर की अलग अलग अनोखी मतलब मैं कहूँगी तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग डाटा को इंपोर्ट करके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर देखेंगे तो ये चीज एक चीज अनोखी चीज होती है, उसी तरह से MathsQDA में भी है। इसके अलावा वेब पेजेस को भी इंपोर्ट करिएगा आप, और एड ऑन है हमारे पास MathsQDA वेब कलेक्टर का, उसको एड ऑन करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एनालाइज ऑफ रिस्पॉन्स टू सर्वे क्वेश्चंस, जो सर्वे क्वेश्चंस हैं उनकी एनालिसिस कैसे होती है, सर्चिंग एंड टैगिंग वर्ड, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, इंटरनल प्रोग्राम मीडिया प्लेयर के थ्रू, लिंकिंग डाटा विद जियो रेफरेंसेस, मैप्स का बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहाँ पे ये भी हमको देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है। टूल्स फॉर समराइजिंग कंटेंट, तो हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, कोड विथ इमोटिकॉन्स एंड सिंबल्स, अगर हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे इमोटिकॉन्स ही इस्तेमाल करेंगे या कुछ और सिंबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। एक्सपोर्ट टू टेक्स्ट, एक्सेल, HTML, XML एंड स्पेशल रिपोर्ट्स, तो ये कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे और ये एक्सपोर्ट कैसे होते हैं वो भी हमें देखना है। क्रिएट फ्रीक्वेंसी टेबल्स एंड चार्ट्स, QTT वर्कस्पेस, ये बहुत ही सुंदर सी चीज आती है वो भी हम देखेंगे। टीम क्लाउड यूजर मैनेजमेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, तो आप एक क्वालिटेटिव डाटा को हमेशा, मैंने देखा है क्वांटिटेटिव जो रिसर्च करते हैं उनकी हमेशा ये रहती है कि क्वालिटेटिव डाटा तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव है तो उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इसका न्यूमेरिक डाटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई देगा सर्टेन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ताकि क्वालिटेटिव डाटा को हम लोग उस वाले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ कैसे करते हैं। अब आगे के वाले एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से किताबें हैं और कौन कौन से पेपर्स हैं जिसके थ्रू MathsQDA को इस्तेमाल किया गया है एनालिसिस के लिए, वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनको पढ़ सकते हैं और आगे भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ किताबें और कुछ रिसर्च पेपर्स दिखाऊंगी, उसके बाद हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिर देखेंगे कि MathsQDA होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या हम लोगों को दिया गया है। इसके आगे चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।